नमस्कार, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी केस स्टडी के बारे में जिसमें प्लॉट एरिया भी है और कंस्ट्रक्टेड एरिया भी है। जैसे गांव के अंदर अक्सर या शहरों के अंदर जिसको कोठी बोला जाता है, जिस कोठी के अंदर, जिस हाउस के अंदर, जिस ड्यूप्लेक्स के अंदर एक पूरा प्लॉट भी होता है और कंस्ट्रक्टेड एरिया भी होता है, इसको कैसे ग्रिड किया जाता है, इसमें कौन सा सेंटर है वो एक्चुअल में काम कर रहा होता है और कौन सा सेंटर काम नहीं कर रहा होता है, किसका बार चार्ट हमें बनाना होता है, किसका नहीं बनाना होता, किसमें कौन सी एंट्रेंस जो है जिसका इफेक्ट आपके जीवन में आ रहा होता है और किसका नहीं आ रहा होता, ये हमें स्टेप बाय स्टेप सीखने की जरूरत होती है। बहुत सारे लोग स्टेप बाय स्टेप ना सीखकर यहां पर पहुंच जाते हैं। मैं उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग सारी वीडियोस को स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो आपको बखूबी समझ में आएगा। ये वीडियो भी आपको जीरो से लेकर 100% तक कंप्लीट बेसिक वास्तु सिखाने के लिए मदद जरूर करेगी, जैसे पिछली वीडियो के अंदर आपने सीखा। और जो लोग डिटेल में कोर्स करना चाहते हैं उन लोगों के पास YouTube के 8 सेशंस डिस्क्रिप्शन में भी हम डाल देंगे, वो जरूर जाकर उनको कंप्लीट कीजिए। और अपनी सपोर्ट के लिए फ्री बिगिनर वास्तु कोर्स, फ्री वास्तु कोर्स नाम का एक ग्रुप हमारा फेसबुक पर बना हुआ है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए या टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए, सो दैट कि आपको सपोर्ट मिलता रहे। अब बात आती है इस केस के अंदर हम स्टेप बाय स्टेप क्या सीखने वाले हैं, सारी चीजें। सबसे पहले सेंटर निकालना, फिर उसके बाद में हम उसका बार चार्ट कैसे बनाते हैं, किसका बार चार्ट बनाते हैं, किसका उपाय करते हैं, किसके ट्रीटमेंट्स होते हैं, किसके सिम्टम्स होते हैं, सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप आराम से देखते रहिए, सीखते रहिए। इस वक्त मैं आपको डिग्रीज कैसे लेते हैं ये नहीं सिखा रहा हूं, क्योंकि ये आपको आगे आने वाले वक्त में समझ में आ जाएगा। अब कुछ लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि क्यों आप इसको बिगिनियर बोलते हो, बिगिनियर ही क्यों बोलते हो आप इसको, इसको आप प्रो क्यों नहीं बोलते जबकि इससे सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। मैं इसलिए बोलता हूं, प्रॉब्लम का मतलब होता है जैसे फर्स्ट एड, आपके जीवन के अंदर छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कोई किसी की चोट लग गई है, किसी को हाली बीमारी है, तो आप उसको फर्स्ट एड देते हो। तो ये जो कोर्स है, ये जितनी भी वीडियोस हैं, ये आपको फर्स्ट एड के रूप में आपके जीवन से आपकी प्रॉब्लम्स को दूर करने के केस में काम आती हैं। पर एक व्यापारी को आगे बढ़ाने के लिए, लैंड सिलेक्शंस के लिए और नई ऊंची उड़ानों को प्राप्त करने के लिए, किसी की शक्ल देखकर बता देने के लिए कि किस तरीके से उसके घर में कहां पर दोष है, वो प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस के लिए आपको आगे बढ़ना होता है। और कोई भी बात आप लोगों को झूठ ना लगे इसलिए मैं आपको फ्रेंकली ये बात बताता हूं कि ये सारी चीजें बिगिनियर लेवल की होती हैं, जो आपके जीवन से समस्याओं को दूर करती हैं। इसीलिए आपको सबसे पहले ये आना जरूरी है और इसके लिए आपकी कोई कीमत लगनी भी नहीं चाहिए एथिकली। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक ही नक्शा आया, आप बड़े ही आराम से इसको देख सकते हैं। इसकी प्लॉट जो बाउंड्री है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं, ये इसका प्लॉट बाउंड्री है। आई होप कि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये पूरा जो है इसका प्लॉट है, कि इसका प्लॉट है और फिर उसके बाद कंस्ट्रक्टेड एरिया है। तो हम इस केस में करते क्या है, सबसे पहला जो स्टेप है सेंटर मार्किंग। इस सेंटर मार्किंग के अंदर हम दो सेंटर लेंगे, नंबर वन पूरे प्लॉट का, नंबर टू सिर्फ कंस्ट्रक्टेड एरिया का। इस बात को अच्छे से समझ लीजिए, पहला पूरे प्लॉट का, दूसरा सिर्फ कंस्ट्रक्टेड एरिया का, ये दो सेंटर्स लेने अति आवश्यक हैं, बहुत ज्यादा जरूरी हैं। हमने इस पूरे प्लॉट का सेंटर एक निकाल लिया, इस सेंटर के ऊपर हमने आगे क्या करना है, इस सेंटर के ऊपर हमने सबसे पहली चीज ये देखनी है, इसके अंदर आपको कोई भी कैलकुलेशंस नहीं करनी इस तरीके की कि आपका बेडरूम कहां है, आपकी किचन कहां है, आपका टॉयलेट कहां है। आपको पूरे प्लॉट के हिसाब से नंबर वन स्टेप दोबारा आ जाते हैं, एंट्रेंस। किसकी एंट्रेंस, प्लॉट की एंट्रेंस को देखना है। प्लॉट की एंट्रेंस आती है E2 की और थोड़ी सी आती है E3 की। E2 की एंट्रेंस क्या देती है, एक्सीडेंट्स, लॉसेस देती है। ये एक्सीडेंट लॉसेस जो आपके घर में आ रहे हैं सिर्फ प्लॉट एंट्रेंस के कारण आ रहे हैं। ये जो कंस्ट्रक्टेड एरिया के एंट्रेंस है आप इसको कभी भी काउंट नहीं करोगे, क्योंकि अभी ये सही रिजल्ट नहीं दे रही। इसका सेंटर अलग और एरिया अलग आएगा और उसके अंदर से आपको ये चीज अलग देखने को मिलेगी कि इसके इफेक्ट क्या आ रहे होंगे। अभी हम सिर्फ इसकी बात करते हैं। और जो ये बना हुआ है, इन्होंने बोला है अंडरग्राउंड वाटर टैंक, क्योंकि ये प्लॉट में बना हुआ है तो इसको चेक करेंगे ये कहां है, ये ईस्ट के अंदर है अंडरग्राउंड वाटर टैंक। तो ये तो हुआ ओके, क्यों ओके हुआ, क्योंकि अंडरग्राउंड वाटर टैंक होता है वाटर एलिमेंट
वाटर एलिमेंट एयर को सपोर्ट करता है तो यहां तक चल जाता है, ईस्ट साउथ ईस्ट के बाद वो दिक्कत क्रिएट करनी स्टार्ट करता है क्योंकि यहां से फायर स्टार्ट हो जाती है, इसलिए यहां पर वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। यहां पर अंडरग्राउंड वाटर टैंक बहुत ही अच्छे रिजल्ट देता है। अब आप इनको क्या सजेशन दोगे, प्लॉट के लिए क्या सजेशन दोगे कि भैया आपको या तो यहां पर एक स्टील की पत्ती डाल देनी है या हरे कलर की, हरे रंग की, ग्रीन कलर की टेप लगा दोगे तो आपका ये काम हो जाएगा, आपको ये प्रॉब्लम आनी बंद हो जाएगी। अब इसके अंदर भी बहुत सारे लोग ये बात पूछते हैं कि टेप कितने एरिया में लगेगी, तो टेप लगेगी सिर्फ यहां से लेकर यहां तक। ये जो एरिया रह गया यहां टेप नहीं लगेगी क्योंकि ये E3 की एंट्रेंस है। और अच्छा सुझाव क्या दिया जा सकता है कि सर अगर आप इसको यहां से बंद करके E3 E4 में खोल लोगे तो ज्यादा अच्छा है, वो अच्छे रिजल्ट देगा। पर फिर एक और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, ये क्रिएट हो जाएगा द्वार भेद। इसलिए यही सजेशन है कि यहां से लेकर यहां तक आप इसके अंदर स्टील की पत्ती डालो और ये एंट्रेंस को ओपन छोड़ दो थोड़ी सी को, आपको E3 के रिजल्ट मिलने स्टार्ट हो जाएंगे और कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट स्टेप क्या है, क्या इनके प्लॉट के अंदर कहीं और कुछ है, कोई बोरिंग है, कोई सर्वेंट रूम है, कोई ओपन में टॉयलेट तो नहीं बना हुआ, वो सब प्लॉट के हिसाब से देखेंगे। यहां पर कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा, हम नेक्स्ट स्टेप पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप है हमारा कंस्ट्रक्टेड एरिया का सेंटर। कंस्ट्रक्टेड एरिया का सेंटर क्या निकला, ये निकला सबसे पहले घर के बीच में OTS जाल है, आप इसको बोलोगे सेंटर में OTS जाल का होना गलत है, इसको तुरंत बंद करवा दीजिए अदरवाइज ये एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। दूसरी बात क्या है, E3 E4 की एंट्रेंस है, नंबर वन स्टेप एंट्रेंस E3 E4 विच इज वेरी गुड, पैसों की कारक है, बहुत अच्छा है। दूसरा स्टेप टॉयलेट्स है, टॉयलेट कहां कहां पर है देख लेते हैं। एक टॉयलेट मिलती है हमें नॉर्थ वेस्ट के अंदर, WC यहां पर भी लिखा हुआ है लेकिन दोनों ही अप्रोक्सीमेटली नॉर्थ वेस्ट के अंदर आती हैं, और कहीं देखने को नहीं मिल रही टॉयलेट। इफ इन केस कहीं हो मुझसे छूट जाए तो आपको उसको भी ट्रीट करनी होगी। इस केस में यहां पर सिर्फ यही टॉयलेट्स दिखाई दे रही हैं। उसके बाद में क्या स्टेप आता है, किचन या बेडरूम्स भी आप ले सकते हो पर हम किचन ले लेते हैं। किचन इनकी साउथ ईस्ट के अंदर है, वो मोर देन परफेक्ट है। फोर्थ स्टेप आता है बेडरूम, बेडरूम आता है इनका नॉर्थ में, बहुत अच्छा है। अगर इनका बेड यहां लगा हुआ है नॉर्थ में वो बहुत अच्छा है, NME में सोने वाले इंसान को प्रॉब्लम आती है जैसा कि आप सभी लोगों को पता है। उसके बाद में हॉल है, ये वाला बेडरूम है, ये बेडरूम इनका आता है साउथ वेस्ट में, वो भी बहुत अच्छा है। उसके बाद में ये एंट्रेंस लोबी, ये वाला बेडरूम साउथ में बहुत ही अच्छा है, तो बेडरूम्स की कैलकुलेशन भी बहुत अच्छी है। दिक्कत कहां पर आ रही है, एक और एंट्रेंस इनके पीछे दिखाई देती है W7 की। बहुत सारे लोग ऐसे पूछते हैं जी हम तो सिर्फ इसी एंट्रेंस को इस्तेमाल करते हैं या इसी एंट्रेंस को इस्तेमाल करते हैं, हमने तो इस पे ताला लगा रखा है। ताला लगा हो ना लगा हो अगर उपाय नहीं हुआ तो वो आपको इफेक्ट दे रही होगी, W7 की एडिक्शन दे देती है, डिप्रेशन दे देती है, कर्जे दे देती है। आपने इसको कैसे ट्रीट कराना है, आयरन की स्ट्रिप डाल देनी है इसके अंदर, ये ट्रीट हो जाएगा। आप लोगों को अभी तक ये समझ में आया कि प्लॉट के लिए प्लॉट का नक्शा, कंस्ट्रक्टेड के लिए कंस्ट्रक्टेड का नक्शा, हम दोनों नक्शों को एक साथ रखते हैं, इस तरीके से उनके सिम्टम्स को मैच करते हैं और उनका काम करते हैं। कभी भी लोग, मैंने बहुत सारे लोग बड़े बड़े जो लोग अपने आप को वास्तु शास्त्र कहते हैं उनको करते हुए देखा है, इस सेंटर के हिसाब से इस रूम को ट्रीट करना, इस सेंटर के हिसाब से इस टॉयलेट को ट्रीट करना जो कि गलत है, आपको कभी रिजल्ट नहीं देगा जीवन के अंदर। आपको हमेशा इस तरीके से ही चेक करना है, बैलेंस करना है। जिस भी इस घर के अंदर जहां जहां पर एंटी एलिमेंट्स हो उसको आपने हटा देना है, इनका काम हो जाएगा। अब आती है बात सबसे इंपॉर्टेंट बात की, आर्ट ऑफ बैलेंसिंग की, बार ग्राफ किस चीज का बनाएं। तो बार ग्राफ हमेशा बनता है कंस्ट्रक्टेड एरिया का, प्लॉट का बार चार्ट बनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, ना ही वो कोई नुकसान देता है। कंस्ट्रक्टेड एरिया का बार चार्ट बनाओ, उसी को ट्रीट करो। कैसे ट्रीट करो आप लोगों को सिखाया गया, यहां पर बड़ा हुआ है इजी है या कम है, वो ज्यादा इजी है। अब बड़े हुए को कम कर लो, ज्यादा इजी है क्योंकि जोन्स बहुत कम है। नॉर्थ और NME के अंदर बड़ा हुआ है, यहां ग्रीन कलर आ जाएगा, आप लोग जानते हो वाटर ने एयर को बनाया, एयर वाटर को कम करेगी। साउथ वेस्ट अर्थ है, अर्थ को कम कौन करेगा, स्पेस कम करेगा,
तो यहां पर व्हाइट कलर का पेंट करवा देंगे उनके साउथ वेस्ट के अंदर। कहां पर? कंस्ट्रक्टेड के साउथ वेस्ट के अंदर। कंस्ट्रक्टेड का साउथ वेस्ट ये है, हम यहां पर व्हाइट कलर का पेंट करवा देंगे। और नॉर्थ एनएनई और एनई के अंदर ये जो था, ये जितना भी एरिया आपको दिख रहा है यहां पर हम करवा देंगे ग्रीन कलर। हालांकि इसको भी आप डिटेलिंग में एक बार बार चार्ट वाले सेशन में सीख लेना, थोड़ी सी कैलकुलेशन करके अगर आप एक्चुअल स्क्वायर फीट निकाल पाओ तो और अच्छे रिजल्ट्स आपको जीवन में मिल जाते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल जाते हैं। अब आपको ध्यान देने वाली बात क्या है, आपने जो ये करवा दिया, बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं सर नॉर्थ ईस्ट के अंदर ग्रीन कराने से प्रॉब्लम्स आती हैं, वो लोगों को बैलेंसिंग करनी नहीं आती। नॉर्थ ईस्ट के अंदर पिस्ता कलर ग्रीन कलर बिल्कुल चल जाता है, डिपेंड्स कि आपका बार चार्ट क्या अलाउ करता है और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं करता। लोग क्या करते हैं, यहां पर भी ग्रीन कर देते हैं, इनको भी बढ़ा देते हैं, तो इम्बैलेंस होता है और उनके जीवन के अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। हमने आज प्लॉट कंस्ट्रक्टेड एरिया के बारे में सीखा, आने वाली वीडियोस में मैं आपको इररेगुलर शेप्स के बारे में बात करूंगा। टिल देन अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि आप लोगों को किसी टॉपिक के बारे में नॉलेज चाहिए, कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिए, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाकर आप लोगों को पूरी नॉलेज देने की कोशिश जरूर करता रहूंगा। और कुछ भी सुझाव के लिए मैं दोबारा से बोलता हूं, 8 बिगिनर वास्तु सेशंस, 8 बिगिनर वास्तु कोर्स के सेशंस देखते रहिए और लोगों की मदद करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।